हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप आपके लिए एक अनदर वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एनर्जी सेक्टर के बारे में। आप अगर भारत के टॉप एनर्जी सेक्टर जो है उसमें अगर बात करोगे, अगर उसमें अगर एनर्जी सेक्टर में अगर आपको निवेश करना है तो बहुत बेस्ट और दो स्टॉक के बारे में बात करूंगा। एनर्जी सेक्टर है, आपको पता है कि आने वाले काफी टाइम पे एनर्जी आपके हर रोज के लाइफ में आपके एक लाइफ का पार्ट बना चुका है। इलेक्ट्रिसिटी से लेकर हर चीज, अलग अलग इंडस्ट्रियल एनर्जी हो गया, अलग अलग तरीके के इसमें एनर्जी होता है। ऑयल हो गया, वो भी एनर्जी में आ गया। पेट्रोल, डीजल, आपके हर रोज जो भी फ्यूल होता है या इंडस्ट्रियल मटेरियल होता है, वो सारा चीज है वो एनर्जी सेक्टर में आ जाता है। तो आपको एनर्जी सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए मैं दो स्टॉक्स बताऊंगा आपको, और स्टार्ट करते हैं रिलायंस से लेके। रिलायंस एक मल्टी डाइवर्सिफाइड कंपनी है जिसमें ऑयल रिफाइनरी से लेके टेलीकॉम से लेके हर कोई बिजनेस है इसमें आता है। बट अगर आप मोटा मोटी अगर देखोगे तो रिलायंस कंपनी में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है इसमें जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो है, होता है ऑलमोस्ट एनर्जी सेक्टर का। ये इस कंपनी है मोटा भाई के गए 4 से 4.5 डिकेड से अपने भारत भारत में काम कर रही है बहुत अच्छे तरीके से। आपने फिलहाल बीच में न्यूज़ में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ, इसमें डील से डील, डील पे डील, डील की करीबन कतार लगा दी है बिल्कुल। बिकॉज अभी इन लोग ने जियो में ये लोग स्टेक ले जा रहे हैं, रिलायंस में जियो, जियो का प्लेटफॉर्म है उसमें काफ़ी टाइम से ये लोग स्टेक लिए जा रहे हैं। तो इन लोग को जो इन्वेस्टर्स है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में कंटिन्यूसली बेसिस पे मिल ही रहा है। सो इसी के चलते हुए आपको मैं अभी रिलायंस का प्राइस को लेके आपको बता देता हूँ कि प्राइस पे चलते हम लोग, और प्राइस जो फिलहाल चल रहा है वो 1588 रुपीज़ चल रहा है। अगर इसका आप ओवरऑल ग्राफ देखोगे तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे होगे कि ओवरऑल ग्राफ में बहुत अच्छी तरीके से ये 90% का अपवर्ड मूव दिखा रहा है, और उसी के चलते हुए आप अगर 52 वीक का हाई और 52 वीक का लो अगर देखोगे तो करीबन 1618 का इसने 52 वीक का हाई किया है, और लो जो है वो 867 रुपीज़ का है। अगर आपने लो और हाई का अगर देखोगे तो लो करीबन कुछ टाइम पहले ही इन्होंने मार्च के महीने में लो 52 वीक का किया था, बट उसी के बाद जो सिलसिला चलता रहा कंटिन्यूसली इसमें डील्स होते रही, उस डील्स के चलते हुए इसमें बहुत अच्छी रिकवरी देख के हम लोग अभी फिलहाल 1588 रुपीज़ में फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग इसके मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे तो ये टॉप जो भारत का जो हीरा बोलते हैं ना, वही है ये कंपनी, भारत का जो हीरा है वो यही कंपनी है। बिकॉज इसका जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 1,74,351 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। इसमें आप अगर बाकी सारे फैक्टर्स भी देखोगे ना, पीई हो गया जो भी है, तो पीई हो गया या ईपीएस हो गया, ये सारे फैक्टर्स देखोगे तो बहुत बहुत हेल्दी है। इसमें डिलीवरेबल ट्रेड पे एक बार नजर मारिए वो भी बहुत अच्छा है, 32% है। अभी इसमें मैं अभी बात करता हूँ आपको, रिसेंटली इन लोग का जो प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट दिया था क्वार्टरली, उसमें बहुत अच्छी तरीके से इन लोग ने परफॉर्म किया था। अभी ये जो नंबर आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो, बट इसके अलावा आपको इसमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए और एक फैक्टर डिसाइडिंग होता है जो डिसीजन मेकिंग के लिए आपको काम करता है, इसमें जो शेयर होल्डिंग है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। शेयर होल्डिंग में ना खुद ही प्रमोटर के पैसे 50% लग गए हैं, तो 50% जब पैसे लगते हैं तो ऑटोमेटिकली कंपनी की ग्रोथ होता ही है। इसमें प्रमोटर को बहुत कॉन्फिडेंस है अपनी कंपनी पे, इसीलिए इन लोग ने 50% ऑलमोस्ट इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। और FIIs का अगर देखो तो करीबन वो 24.91% है, ऑलमोस्ट लगभग 25% है। तो अदर DIIs का जो आपने छोटे मोटे रिटेलर इन्वेस्टर्स, इन लोग का 4.78% ऑलमोस्ट 5% है। तो मोटा मोटी अगर देखो इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है बहुत हेल्दी है। मैं आपको जरूर इसमें हाई रिली रिकमेंड करूंगा कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा मौका है। आने वाले टाइम में इसकी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है, बिकॉज ये इंडिया का टॉप नंबर वन कंपनी है, निफ्टी में टॉप नंबर वन कंपनी है। सेकंड लेके चलता हूँ आपको पावर ग्रिड, जो कि मैं आपको पावर ग्रिड एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट ये आपको मैं लॉन्ग टर्म के अवधि से, लॉन्ग टर्म के अवधि से मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। आप स्क्रीन पे देख ही रहे होगे, मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ, जस्ट वेट कर दीजिए, मैं भी सर्च कर रहा हूँ।
ठीक है, पावर ग्रिड जो स्टॉक्स है इसमें अगर आप देखो फिलहाल जो है वो इन लोग का जो इंडस्ट्री है वो है पावर इंडस्ट्री है, और इस पावर इंडस्ट्री में चलते हुए इसमें अगर आप देखोगे इसका जो रेट चल रहा है वो 166 रुपीज़ चल रहा है। इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा, दो सेकंड,